ओम शांति। ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान उवाच। जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा दे नहीं सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। आप बच्चे शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। वरदाता शिव भगवान का हमें वरदान है, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। तो आओ चले प्रभु वरदान का स्वरूप बने। अपने आप को देखे भ्रुकुटी के मध्य पर विराजमान मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं अपने श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर अनुसार चलाता हूं। मैं आत्मा राजा हूं। मेरा अपनी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कारों पर अनुशासन है। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा दे नहीं सकती। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर अनुसार ही कार्य करती है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं राजयोगी हूं। मैं तपस्वी हूं। सभी कर्मेंद्रियां शरीर का अंग अंग शीतल
मुख पर मधुर बोल, मुख पर ऐसी मधुर वाणी जैसे मधुरस छलकता हो। आंखें शीतल, दृष्टि पवित्र, नैन जैसे सुधा बरसाते हो। मेरे कान सदा ही पॉजिटिव बातें ही सुनते हैं। सर्व कर्मेंद्रिया शांत और शीतल। मैं शीतला देवी हूं, शीतल देव हूं। अब तो सूक्ष्म में भी क्रोध व रोब का अंश नहीं। मैं शीतला देवी, शीतल देव, सभी हद के आकर्षणों से परे हूं। स्वप्न में भी क्रोध व रोब नहीं। सभी आकर्षणों से परे जाकर अब सिर्फ एक आकर्षणमय बाबा का ही आकर्षण। सुबह शाम, दिन रात, हर पल दिल में एक दिलाराम बाबा समाया हुआ। हर धड़कन में एक बाबा की ही महिमा। मैंने एक शु बाबा पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। मैं सुख सागर की लहरों पर लहरा रहा हूं।
मैं आत्मा दिलाराम शिव बाबा के दिल के सिंहासन पर विराजमान हूं। ओम शांति।